Hello students, this is Priyanka Basuroy from AZVS International School, and today this lesson is for class 7, chapter number 2, that is nutrition in animals. As you can see, hamare yahan pe mode of intake of food diya gaya hai. Basically, koi organism khana kaise leta hai, kaise consume karta hai, usse depend karta hai ki wo kis category mein aata hai. There are 4 categories. The first one is autotrophic, the second one is heterotrophic, the third one is parasitic, and the fourth one is saprophytic. Jo hamara autotrophic nutrition hai, we have already discussed in the chapter 1, that is nutrition in plants. Nutrition in plants mein basically kya hai? Autotrophic organisms wo hote hain jo apna khana khud banate hain. Jaise ki plants ke case mein, plants ke leaves mein chlorophyll hota hai, and they make their own food in the form of glucose. Heterotrophic nutrition में वो animals आते हैं which cannot make their own food and वो किसी और organism से खाना लेते हैं, किसी और organism के part को consume करके खाना लेते हैं, जिसमें हमारे humans and काफी सारे दूसरे animals आते हैं. हमारे पास हैं parasitic and saprophytic. We have already discussed this before, but एक बार मैं repeat करूँगी. Parasitic वो वाले organisms होते हैं जो किसी living organism से खाना या shelter लेते हैं जो उन्होंने बनाया होता है. कोई भी फॉर एग्जांपल जो पेट में कीड़े होते हैं, लेट्स से ह्यूमंस जो खाना बनाते हैं, पेट में जो रहने वाले कीड़े हैं वो उसी खाने को जो ह्यूमंस अपने लिए डाइजेस्ट कर रहे हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सारे के सारे को नहीं, बट उसमें से काफी सारे को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. इससे उन्हें खाना मिल जाता है, लेकिन वो जिस ऑर्गेनिज्म में रह रहे होते हैं उनका आगे नुकसान होता है. Saprophytic. Saprophytic वो वाले organisms होते हैं जो किसी भी dead चीजों से या सड़ी हुई चीजों से nutrition लेते हैं. कहीं पे भी कोई सड़ जाए चीज हो, कोई मरी हुई चीज हो, कोई ऐसी type की चीज हो जो खराब हो रही हो, उनके ऊपर जो organisms रहते हैं और उनसे जो nutrition लेते हैं वो हमारे saprophytic nutrition में आते हैं. We will be focusing more on how humans digest food. क्योंकि जब हम हेटरोट्रॉपिक की बात करते हैं तो उसमें हमारा सबसे मेन चीज़ जो हम स्टडी करते हैं वो ये कि ह्यूमंस में खाना कैसे लिया जाता है, डाइजेस्ट कैसे होता है. ह्यूमंस में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसके 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें से पहला है हमारा इंजेशन. इंजेशन इज द प्रोसेस बाई विच एनी ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड. कोई भी इंसान कैसे खाना खाता है, जब वो खाना खाता है मुँह के अंदर लेता है, that is known as ingestion. ये digestion का पहला process है, क्योंकि कोई भी खाना अगर digest होगा, कोई भी खाना अगर पचेगा, तो उसके लिए पहले उसे अंदर लेना जरूरी होता है. अंदर खाना लिया जाता है through our buccal cavity या फिर mouth. Mouth में हम खाना लेते हैं, हमारे teeth जो है वो उसे chew करते हैं, and उसके बाद हम उस खाने को आगे भेजते हैं ताकि digestion हो सके. Second में है हमारा digestion and absorption. डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दो अलग अलग स्टेप्स हैं. सबसे पहले में क्या हो रहा है, आपका खाना पच रहा है, एंड सेकंड में आपका खाना एब्जॉर्ब हो रहा है. डाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होती हैं, एंड उन्हें सिंपलर फॉर्म में बनाने के लिए, ताकि हमारी बॉडी उसे और आसानी से यूज कर सके अपनी ग्रोथ के लिए या एनर्जी के लिए, डाइजेस्ट किया जाता है. एंड उसके बाद जब ये छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है हमारा खाना, जब हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेती है यूज करने के लिए, देन दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. डाइजेशन का अगर आप प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ देखोगे, सबसे पहले हमारा जो मुंह में डाइजेशन है वो शुरू होता है. जो शुगर होता है, जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो थोड़े थोड़े हमारे मुँह में डाइजेस्ट होने शुरू हो जाते हैं. उसके बाद हमारा खाना हमारी ईसोफेगस से जाता है, यानी हमारी फूड पाइप से जाता है. उसके बाद वो हमारे स्टमक में जाता है. स्टमक में हमारा खाना HCL के साथ मिक्स होता है और कुछ एंजाइम्स के साथ मिक्स होता है, जहाँ पे प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जाता है. उसके बाद हमारा खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, सारा का सारा कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है. जब खाना हमारा पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. जब हमारा खाना इंटेस्टाइन्स में होता है या स्टमक में होता है, तब बाइल जूस आता है. बाइल जूस क्या करता है, हमारे खाने में जो फैट पार्टिकल्स है बड़े बड़े, उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है,
ताकि उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देता है ताकि उन्हें हम और अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें। एक और एंजाइम जो एक्ट होता है वो है हमारा पेनक्रियाटिक एंजाइम्स। उसमें हमारे ट्रिप्सिन एंड लाइपेज होते हैं। ट्रिप्सिन का क्या काम है, वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है हमारे खाने में जो प्रोटीन्स होते हैं उन्हें, एंड लाइपेज जो है वो हमारे फैट पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद आता है हमारा इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस वो जूस होता है जो हमारे इंटेस्टाइन, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट कर रहा है। ये प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में बना देता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, एंड फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। जो ये चीज़ें हैं ये सबसे सिंपल फॉर्म है हमारे खाने की। जब हमारा खाना इनमें ब्रेक डाउन हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमारा खाना डाइजेस्ट हो चुका है, और तब उस पार्टिकल्स को, वो पार्टिकल्स जो बन रहे हैं एंड में, उन्हें हम एब्जॉर्ब करके यूज कर सकते हैं। जो डाइजेस्टेड खाना है, अगर आप यहाँ पे पिक्चर देखो, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं फिंगर लाइक, उंगली जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसे हम विलाय बोलते हैं, और हमारा जो डाइजेस्टेड खाना है वो इससे एब्जॉर्ब हो जाता है। इससे एब्जॉर्ब होके खाना आगे ब्लड में चला जाता है। उसके बाद हमारा प्रोसेस है एसिमिलेशन। अब खाना हमने डाइजेस्ट कर लिया है, हमारे सभी सेल्स को खाने के पार्टिकल्स भी मिल चुके हैं। जब हम अलग अलग काम के लिए उन पार्टिकल्स को यूज करते हैं, हमारी बॉडी जब उन पार्टिकल्स को यूज करती है, देन दैट इज एसिमिलेशन। जैसे कि हमारे कहीं चोट लग गई, तो उन सेल्स को जब रिकवर होना है तो उन्हें भी कहीं ना कहीं से एनर्जी चाहिए होगी रिकवर होने के लिए, न्यूट्रिशन चाहिए होगा। जब वो न्यूट्रिशन मिल रहा है उन्हें हमारे खाने से मिल रहा है, उस खाने के न्यूट्रिशन को लेकर वो अपने आप को रिपेयर कर रहे हैं। हमें जो ताकत मिल रही है वो इससे मिल रही है कि हम कितना खाना खा रहे हैं और किस तरह का खाना खा रहे हैं। तो जो भी चीज़ें हमें मिल रही हैं खाने में, वो जब हमारी लाइफ में हमारी बॉडी को यूज होती हैं, देन वी कॉल इट एसिमिलेशन। उसके बाद जो हमारा अनएब्सॉर्ब्ड खाना है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गया है सब डाइजेस्ट होने के बाद, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, हमारे जो फूड है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वो, जो हमारा सॉरी डाइजेस्टेड फूड है लेकिन अनएब्सॉर्ब्ड है, उसमें से वो वाटर को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। वाटर को लेने के बाद पीछे जो बचता है वो बिल्कुल वेस्ट होता है, क्योंकि उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स भी हमने ले लिए हैं, उसमें से हमने वाटर भी ले लिया है, तो एंड में जो बच जाता है वो हमारा बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिस प्रोसेस को इजेशन कहा जाता है। दिस इज अ डायग्राम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपको दिया हुआ है, एंड वो आपने ड्रॉ भी करना है अपनी फेयर नोटबुक्स में। आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस दिए जाएंगे साथ में, बट अभी तक ये वाला चैप्टर, मतलब ये वाला सेक्शन इतना ही है। अगर हमने रिकैप करना है तो हमारे जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हैं, उसका हम एक रिकैप कर लेते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स ह्यूमंस के केस में ऐसे होता है, लेकिन कुछ एनिमल्स के केस में अलग तरीके से होता है। अगर कोई ऐसे एनिमल्स हैं जो सिंगल सेल एनिमल्स हैं, तो उनके केस में वो डायरेक्टली अपने आसपास से खाने को पकड़ के ले सकते हैं पार्टिकल्स को। अगर प्लांट्स का केस है तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द फर्स्ट चैप्टर, प्लांट्स जो हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। वो सनलाइट, वाटर और क्लोरोफिल को यूज करके एक रिएक्शन करते हैं जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस में वो लाइट की हेल्प से खाना बनाते हैं, और जो खाना बनता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। उस खाने को उसके बाद वो अलग अलग जगह पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और जो खाना एक्स्ट्रा बच जाता है वो हमारे प्लांट में स्टोर हो जाता है। ये आज के लिए आपका लेसन है। आई विल बी ऑल्सो प्रोवाइडिंग विद द क्वेश्चंस जो आपके इस लेसन के रिलेटेड हैं, जो आपके इस पार्ट के रिलेटेड हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।